हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में बहुत सारे बदलाव होता है, आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होता है, जिसकी वजह से ये बदलाव आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये जो बदलाव आपके साथ होता है, ये बहुत बड़े बड़े सिम्टम्स होते हैं ये पता करने के लिए कि आपका जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, यानी कि आपके जो घर में नन्हा सा मेहमान आने वाला है वो एक बॉय है या गर्ल है, ताकि आप पहले से ही उसकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, पहले ही कर दें, बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एक ऐसे अंग के बारे में जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर काला पड़ जाता है लड़का होने पर। अभी वो कौन सा अंग है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान यूँ तो आपके बहुत सारे अंग काले पड़ जाते हैं, चेहरा, बाल, आपका बॉडी का कलर, आपका प्राइवेट पार्ट का कलर, यहाँ तक कि आपका जो ब्रेस्ट है उसके निप्पल का कलर, बहुत सारे अंग आपका काला पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा एक अंग होता है जो कि लड़का होने पर ही काला पड़ता है, यानी कि अगर आपने लड़का कंसीव कर लिया है तो ये अंग आपका डेफिनेटली काला पड़ेगा और वो काला हो जाएगा। वो है दोस्तों आपकी नाभि का कलर। दोस्तों, आपका जो नाभि है बहुत काले पड़ रहे हैं, हद से ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान बाहर आ रहा है और काला पड़ रहा है, तो ये एक बेबी बॉय होने का सिम्टम है। बाहर आए या ना आए कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन वो काला हो रहा है तो ये एक बेबी बॉय होने का साइन है दोस्तों। क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मेरी दोनों बेबी बॉय के समय फिर मेरा जो नाभि है वो काला हो गया था, और मैंने इसे बहुत सारी दोस्तों से भी बात की है, उन्होंने भी मुझे यही बात बताया है। तो दोस्तों, इससे आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो लड़का या लड़की है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।